वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। अरे कुछ समझ में आ रहा है ना? बोलो। बाउंड्री बहुत छोटी सी है, चौवे छक्के लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मौलाना नसीम साहब सुनिए, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुन, आखिर हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है? आजकल तो सावरकर की औलादे भी कहती है कि हम वफादार हैं। शेर सुनिएगा, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है ना वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। अरे समझ रहे हो, बड़ा माकूल इंतजाम है बहाने का। गंगा जमुना राप्ती सरयू घाघरा, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। चार मिसरे जरा और सुनिए, आपको टटोल रहा हूं कि आप जाएंगे कहां तक। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरत हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान, भारत है, इंडिया है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में दीन की तबलीग कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। और नबी चाहते ये हैं कि उमर ईमान ले आए, मगर समझाते समझाते उमर के भेजे में ये बात नहीं उतर। तो जानते हो मेरे आका ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो रहमतुल्लिल आलमीन का कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की जमीन पर तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया,
अल्लाह हू अकबर की सता बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि फकीर आया है और उसका कुछ अंदाजे जिंदगी इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। और मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा का जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया? ये किसको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना है जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है? कमांडर गरीब नवाज के करीब आ गया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे कि बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही ना था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन लेने आया था। सब करीब आ गए। कमांडर कहता है चेहरे देखो, हमला करने की चीज नहीं है, ये तो दर्शन करने की चीज है। का बाबा एक बात बताइए, आप आए कहां से हैं? आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। ऐसे कल्चर के लोग हमारे वतन पे नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाए? का बाबा एडमिशन फीस कितनी? का कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा, जरा आप लोग भी पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब फिजम मुशर्रफ पे इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। पूरी हयात तैयबा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख लोगों को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। मेरा जुमला बड़ी अहमियत के साथ सुन लें। भारत में जो इस्लाम है, दारुल उलूम एहसानिया नूरिया जिस इस्लाम का पाबंद है, ये उलमा मशायख इंतजामिया कमेटी जिस इस्लाम के पैरोकार हैं, वो इस्लाम हमें बादशाहों से नहीं मिला, राजाओं से नहीं मिला, महाराजाओं से नहीं मिला, अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला, बाबर जहीरुद्दीन से नहीं मिला, हुमायूं से नहीं मिला। जिस इस्लाम पर हम अमल करते हैं वो इस्लाम बादशाहों से नहीं मिला, फकीरों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है, आशिकाने मुस्तफा से मिला। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक है मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हैं हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। आप तवज्जो दीजिए जरा से, संगलाखवादियों में जाकर आज आप चले जाइए, हिंदुस्तान के अक्सर हिस्से में मदार टेकरी, मदार छिल्ला कहते हैं महाराष्ट्र वाले तो छिल्ला के बजाय मदार नगर, ये जिंदा शमदार का वो दौर था। गलियों में, कूचों में, राहों में घूम घूम के भारत में इस्लाम पहुंचाते रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने न जाने कितने जादूगरों का मुकाबला किया, न जाने कितनी बड़ी सी बड़ी ताकतों से टकराए और भारत के हर हिस्से में इस्लाम पहुंचा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम इस भारत में फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने,
महबूबे इलाही ने सबिल फिलगरी ने जिंदा शमदार ना वारिस देवा मखदूमे के चौचा मखदूमे जाजमऊ नसूर दुन चिराग दहलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शफुद्दीन यहया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अशी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शमीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकारे महरेरा नोट करो भारत ने इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है इसीलिए तो मैं समझाता हूँ पूरे मुल्क की कॉन्फ्रेंसों को मेरी प्यारी कौम इन मुजावरों मौलवियों के चक्कर में न पड़ो बोलो और ये तय कर लो कि भारत में इस्लाम फैलाने वाले न खाजा गरीब नमाज को भूलेंगे और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलेंगे। मोहतरम सामईन किराम तवज्जो कीजिए जरा और अपना जहन हाजिर रखिए। इस हिंदुस्तान से हम ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते और ये तो मदरसे का जलसा है, यहाँ ऐसा पढ़ाया गया है इन बच्चों को, ऐसा समझाया गया है, असातिज़ा रात दिन मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। आज हमारा सारा प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई में पीछे हैं, हमें पढ़ाई में आगे आना चाहिए, पढ़ाई ही मंजिलों को तय करना चाहिए। मेरी बात सुनो, अरबी मदरसों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, हर कस्बे हर शहर में मदरसे हैं, दीन की फैक्ट्री कायम है, इमाम मुअज्जिन हाफिज़े कुरान निकल रहे हैं। अब थोड़ी सी जरूरत है मुसलमानों दुनियावी तालीम में भी आगे आओ, अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जरूरी दीन की तालीम भी दो। और क्यों बनाओ? अगर एक आदमी के भी मेरी बात समझ में आ गई तो जलसा कराने की मेहनत वसूल हो जाएगी। इसलिए बनाओ कि आज तुम्हारी पोजीशन जानते हो खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या है मुसलमानों की, तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। बोलो, एक वक्त था तुम्हारा वोट फैसला कौन होता था, बैलेंस में रहता था। अब हमारी तुम्हारी हैसियत ये हो गई कि इस वोट की कोई कीमत नहीं, और जब जमहूरी मुल्क में वोट की कीमत ना रहे तो इंसान बेआबरू हो जाता है, इंसान बेमदन हो जाता है, इंसान बेवकार बन के रह जाता है। अब इस अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए जरूरी है कि तुम तालीमी मैदान में कूद पड़ो, मुसलमानों इल्मी मैदान में कूद पड़ो। और मेरा एक जुमला याद करो, बहुत अहम जुमला है, तलबा को नजर करता हूं खास तौर से, कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे ना तो अब्दुल कलाम तुम ही बनाए जाओगे, सदरे जमहूरिया की शक्ल में तुम ही नजर आओगे। अगर डॉक्टर आईएएस पीसीएस इंजीनियर बन गए तुम्हारे दरवाजों पे फिर मेला लगने लगेगा, लोग फिर तुम्हें आवाज देने लगेंगे। अपनी इज्जतों को अगर वापस लाना है तो तालीम के जरिए लाओ। मगर ये मुसलमानों के बच्चे इंटर तक जाते हैं, उसके बाद गुलाटी खा जाते हैं, बंदर की तरह नीचे चले जाते हैं, खींचते खींचते इंटर तक जाएंगे, जाके अक्सर तो फेल हो जाते हैं। फेल हो गए, माँ ने पूछा, बाप ने पूछा, क्या हुआ? क्या क्या बताऊं अम्मा, फेल हो गए। क्यों बेटा? पढ़ते तो थे। अब देखो कैसा बेवकूफ बना रहा है बच्चा घर में, कह रहा पढ़ते तो थे लेकिन अम्मा हम मुसलमान हैं ना। देखा कैसी नफरत फैला रहा है घर में, अरे मुसलमान है तो फेल कर दिया जाएगा, ये झूठ है, बकवास है, गलत है। इंटर का इम्तिहान तेरे नाम से नहीं हुआ है, रूल नंबर से हुआ। ये कंपटीशन का दौर है, जितनी मेहनत करोगे उतनी तरक्की पाओगे। फितने और नफरतें मत फैलाओ, पढ़ाई में उतर जाओ, पढ़ाई के लिए मेहनत करो, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम करो और बच्चों को पढ़ाने का शौक
अरे बोलो भाई, बढ़ा दो वो पुरानी सोच जो दिमाग में थी ना, उसको निकालो। भरवारी वालों की सोच मेरा ख्याल है निकलने को तैयार नहीं है। 25 साल पहले मैंने जितने बड़े मजमे का जलसा छोड़ा था, 25 साल के बाद उतना ही मजमा मिला। पुरानी एक सोच है उसको निकालो। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव में लोग कहते थे, अरे जाओ कहां जा रहे हो, स्कूल पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये भूत बैठाया गया था मंसूबे बंद तरीके से कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, जाओ वापस क्या करो, काम सीख लो, जूता का, चप्पल का, घड़ी का, पढ़ाई से क्या फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 135 करोड़ का मुल्क है और नौकरी इस वक्त कितने लोग करते हैं मालूम है, तकरीबन 6 करोड़। तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? मुसलमानों तुम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? अल्लाह की पसंदीदा मखलूक हो रूए जमीन पर, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो, तुम नौकरी करने नहीं आए। नौकरी के चक्कर में न रहो, बल्कि याद रखो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। जहालत को मिटा दो, तारीखियों को मिटा दो और इल्म की रोशनी हासिल करो। जब रोशनी में आ जाओगे तो उसके जरिए नौकरी भी है, उसके जरिए सर्विस भी है, उसके जरिए तजारत भी है, उसके जरिए समाज की खिदमत भी है, सब कुछ तुम्हें नसीब होगा। लेकिन थोड़ा सा अपने जहन को बदलो। आज ये 5 बच्चे जिन माँ बाप ने वक्फ किया और दारुल नूरिया एहसानिया आए, मेहनत किया, मशक्कत किया, गालिबन इसमें 2 बच्चे आलिम, 3 बच्चे हाफिज़े कुरान, ये मामूली बात है। एक माँ जब अपने बच्चे को घर से रुखसत करती है ना, उस माँ का कलेजा फट जाता है कि मेरा नूर नजर, मेरा लख्त जिगर मुझसे रुखसत हो रहा है। लेकिन माँ बाप सिर्फ इसलिए लाके मदरसे में डाल देते हैं कि चलो मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। और वाकई इनके दर्जे इतने बुलंद होते हैं, इनका मर्तबा इतना बुलंद होता है। भरवारी वालों समझो, मैं कहता हूं इन मदरसे वालों से प्यार किया करो, प्यार किया करो, इनसे मोहब्बतें किया करो, ये मोहब्बत की चीजें हैं। हमें नजराना नहीं देना चाहते, मत दो, पैसा नहीं देना चाहते, मत दो, मगर कम से कम इतना तो किया करो, अगर दारुल उलूम एहसानिया नूरिया का कोई तालिब इल्म मिल जाए और कोई उस्ताद मिल जाए तो उसको देख के मुस्कुरा दिया करो, तो तुम्हें सदके का सवाब मिल जाएगा। मुस्कुरा तो सकते हो इनसे देख के, प्यार तो कर सकते हो, नहीं बल्कि घूर घूर देखते हो कि अच्छा गाड़ी से जा रहा है, बैंक बैलेंस चल रहा है। ये तो इलाके भर का इस अतराफ का पहला मदरसा है। तुम्हें मालूम है संस्कृत के नाम पर, स्कूल और कॉलेज के नाम पर कितने लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं, जिनके मदरसे वजूद में नहीं है। किसी का मदरसा और किसी का स्कूल बोरे में है और किसी का स्कूल झोले में है। वहां तो आंखें नहीं दिखाते, यहां दिखा रहे हैं। इनसे मोहब्बत करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इनसे प्यार किया करो। जब ये नजर आए तो इन्हें मोहब्बत भरी नजर से देखा करो। अपने बच्चे को कोई वक्फ नहीं करता मदरसे में जल्दी से जाकर, बड़ी हिम्मत होती है। देखो ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप लाए और यहाँ छोड़ गए, आज इनके सरों पर साफा बांधा जाएगा। अब इनका दर्जा, अब इनका मकाम इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा कि अगर ये साफा बांधे और आंख खोल के मुसल्ले पे खड़े होंगे तो दुनिया कहेगी नायबे रसूलुल्लाह है, और अगर आंख बंद करके गोशा नशीन हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी ये तो वलीउल्लाह है। तालीमी इंकलाब लाओ मुसलमानों, और अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो। मैं पढ़ाई पर जोर इसलिए देता हूं कि आपको अपनी ही कुर्बानियां याद नहीं है, आपको अपनी कुर्बानी याद नहीं है। आपको मालूम है इस वतन के लिए आपने कितनी कुर्बानी दी है? बोलो, ये तमाम तलबा बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि मेरी बात गौर से सुनो। ये हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, ये भारत ऐसे नहीं आजाद हुआ। हर मुसलमान को ये बात याद रखना चाहिए,
दूसरे लोग ऐसा हुकूमत जनाते हैं कि आप बिल्कुल किनारे हाशिए में खड़े होते हैं, लगता है भारत के किराएदार हैं, क्योंकि आपने अपनी हैसियत को नहीं समझा। आए शहीद ये आजाद नहीं हुआ, हमारी माए बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो कौन नहीं जानता, उन्होंने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया था तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैं इसलिए कहता हूं सुनो इन उलमा के बयान सुना करो। आज तुमको आसानी से कोई कह दे वो मदरसे से तो आतंकवाद फैलता है तो कहोगे अच्छा मालूम करेंगे तो बात गलत है। इतनी आसानी से आपने सुन लिया? जिस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कान खोल करके मेरी बातें सुन लो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर किया था तो कहां से? किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से? नहीं, इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई में बैठ के लिखा था। जो फतवा लिखा था मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ कर लिखा था और कुरान की रोशनी में लिखा था। इसीलिए मैं कहता हूं अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। ये सब कुरान की बरकत से, अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिली है। अच्छा देखो जरा सा समझना जरा प्यार से, मदरसे अगर आतंकवाद के अड्डे हैं तो प्यारे भाई एक बात बताओ। चलो महमूद भाई आप मेरे साथ चलिए, कानपुर ले चलता हूँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना, और वहां रामा देवी बहुत बड़ा चौराहा है, 5 किलो सेब खरीद लीजिएगा कि हॉस्टल चल रहे हैं तो बच्चों को सेब खिलाना है। चलिए किसी रूम चलिए हमारे यहाँ हॉस्टल में, 5 किलो सेब लेके चलिए, बच्चे बहुत हैं तो जाहिर सी बात है 5 किलो में तो हो गए नहीं। अब आप सिर्फ इतना सवाल कर दीजिएगा, ये तो मिसाल दे रहा हूँ, किसी मदरसे चले जाइए और हॉस्टल में रहने वाले तलबा से ये कहिए बच्चों एक छुरी ले आओ। अरे छुरी समझते हो? रामपुरी, अब समझ गए, चाकू। किसी बच्चे से सवाल करो हॉस्टल में, यही दारू में हिसानिया में, जरा एक चाकू लाओ, ये सेब काटना है और फांके बना के तुम्हें तकसीम करना है। कारी अकबर साहब पूरी गारंटी है कि हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी, बताइए एक छुरी नहीं मिलेगी, इन तलबा से पूछने के लिए एक चाकू नहीं एक छुरी नहीं मिलेगी। अबे जो कौम फल काटने के लिए छुरी न रखती हो वो हाथ में हथियार उठाएगी? कभी कभी ऐसी दाल मिलती है कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो। ये सीधा साधा खाना खाने वाली कौम हथियार उठाएगी? नोट रखो, अरबी मदरसों की बरकत से अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजादी मिली और अल्लामा फजल हक खैराबादी को इंडमान जजीरे में जाकर कैद कर दिया गया। तो जानते हैं आप अल्लामा ने अंग्रेजों से कहा था, ये सब बातें याद रखो, तलबा को खास तौर पर अर्ज करता हूं, अल्लामा ने कहा था अंग्रेजों एक कलम दे दो एक कागज दे दो, मैं अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है जो कागज और कलम दे दे, ये कैद खाना है, न कलम दिया जाएगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था अरे नादानों सुनो, तुम फजल हक के हौसले को खत्म नहीं कर सकते, कलम मत दो कागज मत दो, फजल हक अल्लाह का फजल है, इसलिए कलम को मैं कोयला को कलम बना दूं और कपड़े को कागज बना दूं और असौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख दी। जिस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी के घर के लोग मुलाकात के लिए उस जजीरे में गए थे उस दिन जेल से उनका जनाजा निकल रहा था, ये वो मुजाहिदे आजादी था जो भारत की मिट्टी पर कुर्बान हो गया। मुफ्ती इनायत अहमद साहब का कुर्बी को कौन नहीं जानता, जिस वक्त काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे ना तो उनके दोनों हाथ में किताबें थी, एक हाथ में तवारीख हबीब इलाह और एक हाथ में इल्म सेगा। और इन उलमा से पूछ लीजिए आज यही मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें दारुल उलूम एहसानिया नूरिया में पढ़ाई जाती है, दाखिले निसाब
कौन नया मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को, ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचवी के उस्तादी ग्रामी, इन्होंने इशार पेश किया तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। ये मुजाहिदीन आजादी अल्हम्दुलिल्लाह किस अच्छे अकीदे के थे, मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता, वही है जो कहे गए वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ए लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया। और नोट कर लो, ये जितने उलमा थे अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे सब मदरसे के पढ़े हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी सही अकीदा और जमाते अहले सुन्नत में से थे। लेकिन उलमा से गुजारिश करूंगा इस मौके पर, जब 26 जनवरी का मौका आता है, 15 अगस्त का आता है, तो उर्दू अखबार को कवरेज की जरूरत होती है, वो चाहता है कि मुस्लिम न्यूज हम लिखते हैं, और हम आप खामोश बैठे रखते हैं। दयाबना क्या करते हैं, वो उन मौलवियों का जिक्र अखबारों में पेश करते हैं जो मौलवी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनको मुजाहिदे आजादी बताते हैं, और हम लोग आप लोग सब खामोश बैठे रहते हैं। और एक सुन्नी बेचारा अगर कहीं थोड़ा अखबार में लिखने पढ़ने लगा तो पूछो मत, अपने सुन्नी ही उसका जीना मुश्किल कर देगा। कोई कहेगा फोटो का शौक बहुत है, कोई कहेगा साहब रोज अखबार में छपने का शौक बहुत है, अरे एक मरतबा लिखने का शौक आप अपने दिल में पैदा करके देखो, ये कैसा दर्द है, हर मोड़ पे आप जवाब लिखते रहोगे। मैं अर्ज करूंगा उलमाए किराम से कि जब ऐसा कोई मौका आया करे तो आप भी अपने हाथों में कलम उठा लिया करो, और भारत की इस तारीख को लिख के साबित किया करो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के लिए कल भी हम सुन्नी मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार। हजरात तो तवज्जो कीजिए, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ है बोलेंगे थोड़ा सा, यही सब प्रॉब्लम है। और जब कोई अगर रास्ते में अधिकारी कहीं मौलवियों से पूछ लेता तो कहता है देखिए साहब वतन के बारे में तो कुछ बताया नहीं जाता, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरी तकरीर लोग सुन रहे हो तो बहुत कान खोल के सुन ले कि देखो वतन से कितनी मोहब्बत, सबक की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 कब, याद रखना ये वतन की आजादी की तारीख है 15 अगस्त 1947 को। अब बड़े प्यार से आपको समझ में आ गई हमारी कुर्बानियां इस मुल्क में क्या हैं, कैसे हैं, तो याद रखना ये घटिया तस्वीर अपने दिमाग से निकाल दो, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो शंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पूरी कायनात को आजादी मिली, ये पूरी दुनिया आजाद हुई है। एक मैं नतीजे पे ले आया आपको, अब बड़े प्यार से मुझे बताओ ये आजादी का हक कब मिला, जब धरना किया, प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट का घेराव किया, तभी तो हक मिला। हुकूमतें हक देती कब है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की नहीं, जब इनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह हक मांगो तब हक मिलता है, जब इनके सामने मुतालबा करो तब हक मिलता है, जब इनके सामने अपील करो तब हक मिलता है। तो ये दुनिया है, हक कब देती है, जब भीख की तरह मांगो मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर
मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है, मगर इतने मेहरबान है पैगंबर इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, महल में का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे नोट करो, वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो बेवा औरत जिसे मनहूस समझा जाता था, अपना पहला निकाह बेवा से करके बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अच्छा देखो जरा सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, 11 शादियां फरमाई, जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत जैनब, जैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुएरिया, हजरत सफिया। पहला निकाह पैगंबर ने बेवा खदीजतुल कुबरा से किया। नोट करो, बेवा से निकाह मेरे रसूल ने किया ताकि मेरी उम्मत की बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। रसूलुल्लाह ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी बेटियों से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। और पैगंबर ने मुतल्लका से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए मुतल्लका तलाकशुदा औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल। पैगंबर ने हर महाज पर हुकूक अता फरमाए। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? अरे तो जिंदा तो जिंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुर्दों को हक अता फरमाया, इंसान तो इंसान मेरे पैगंबर ने जानवरों को हक अता फरमाया। ये बातें क्यों नहीं याद करते अपने नबी की? आज बताओ जरा सा, पानी बचाओ, बूंद बूंद बचाओ, हुकूमतें पानी बचा रही हैं। माहिरीन लिखते हैं कि 2023 आ गया, पानी पीने वाले पानी की कमी हो सकती है। लगता ऐसा है कि पिछली जंग जो हुई है तेल की वजह से, कहीं अब पानी की वजह से ना हो जाए। पानी बचाओ जोर दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि हुकूमतों का काम है कि पानी बचावे? अरे मुसलमानों अपना सबक भूल गए? 1400 साल पहले तुम्हारे पैगंबर ने कहा था फजूल खर्ची हराम, एक कचरा फजूल पानी ना बहाना। अब मुझे बताओ, अगर एक लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो ना, दूसरा लोटा फजूल बहा सकते हो? अरे पूरा लोटा छोड़ो, एक कचरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। एक कतरा, ये मदरसे के बच्चे सुन ले, इनसे ज्यादा फजूल पानी कोई बहाता ही नहीं। एक खोल के जाएगा पाइप में तो इंतजार करेगा दूसरा जो खोलने आएगा वही बंद करेगा। बच्चों तुमसे भी हिसाब होगा। बिला जरूरत लाइट मत जलाओ, बिला जरूरत पंखे चलते हुए छोड़ करके मत जाओ, या साथीजा समझाते समझाते थक जाते। लेकिन तालिब इल्म तो तालिब इल्म होता है, मगर बच्चों को अपने अंदर इंकलाब लाने की जरूरत है, अपने अंदर सुधार पैदा करने की जरूरत है। मैं कह रहा था एक कचरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अरे बचा दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जब का टीका लगाने वालों को समझा दो जो इस्लाम एक कचरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे? इस्लाम तो रहमतों का मजहब है, इस्लाम तो बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। अब एक बात और बता दूं, देखो तवज्जो है ना, भले मुझे बताओ नींद तो नहीं आ रही?
ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काम सिर्फ हुकूमतों का नहीं है, ये पॉलिसी इस्लाम ने बनाई। बोलो, अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया, तुम हिफाजत करो मैदान अमल में कूद करके। आज एक बात और बता दें, बड़ा अभियान चलता है, पेड़ लगाओ, दरख्त लगाओ, हमारी चीजें दूसरे ले गए। जानते हो पेड़ लगाना इस्लाम में क्या है? पेड़ लगाना सदका जारिया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अगर यूपी गवर्नमेंट कह दे मदरसे वालों पेड़ अभियान में शरीक हो जाओ, पेड़ लगाओ, तो समझ लेंगे कि यूपी गवर्नमेंट का काम। अब यूपी गवर्नमेंट का काम नहीं है, 1400 साल पहले ये बात तो तुम्हें इस्लाम ने समझाया था, ये किया करो। जब पेड़ तैयार होगा और उसके साये में कोई मुसाफिर बैठेगा तो तुम्हारे मरने के बाद कब्र में अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अगर फलदार दरख्त लगा दिया तो कोई भी फल खाएगा दुनिया में, सवाब पहुंचेगा तुम्हें तब। इसलिए इस्लाम सीखो और इस्लाम पर अमल करो। ये इस्लाम ही पाकीजा मजहब है जो हर तरीके के रास्ते को मुतय्यन फरमाता है। बहरहाल दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था और आपको बताना चाह रहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों तक के हुकूम बयान फरमाए। अरे हद तो ये है, जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक भी बयान फरमा दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अबे टहलाओ ना, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। एक तो मुसीबत इतनी आ गई है, परसों रात मैं तकरीर कर रहा था और उससे दो दिन पहले मुंबई में था, तमाम मुंबई के उलमा शरीफ थे। तो मैंने कहा भाई पहले क्या बतावें, हम लोग तो बड़ी बड़ी करारदाद पास करते थे तो पब्लिक से मुतालबा करते थे, करारदाद मंजूर है? हाँ मंजूर है। हाथ उठाओ टाइप करो, सब हाथ उठाते थे, टाइप हो जाती थी। अब हमने कहा ये बताओ, अब हाथ तो उठवाने का मौका नहीं मिलता, ये शायर बेचारा इतना हाथ उठवाता है कि दोनों हाथ में दर्द हो जाता है, तो क्या पैर के जरिए से करारदाद मंजूर कराई जाएगी? तो मेरी तो वो आदत है नहीं कि आप इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, उधर वाले सुभान अल्लाह, बड़ी अम्मा की तरफ सुभान अल्लाह, अम्मा की तरफ सुभान अल्लाह। अबे दिल में आए तो बोलो सुभान अल्लाह, मुझे खाली एहसास दिलाओ कि हम कीमती बातें सुन रहे हैं, हम बेदार हैं और हम जाग रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को भी हक अता फरमाया। बोलो, एक दिन मरना है कि नहीं मरना है? मरना है ना। बड़े समझदार लोग, कई जलसों मैंने पूछा मरना है, मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं, और जो जितना ज्यादा बूढ़ा होगा उतना ही खामोश। कब्र में पैर लटकाए पूछो बाबा मरना है ना, तो लाठी ढूंढेगा ये मुर्गी कहां से, मरने की बात कर रहा है। इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं, दूसरे लफ्जों में कह सकता हूं कि तुम्हें झिझोड़ रहा हूं। जिस वक्त रूह निकलेगी, हमारा तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान तड़प रहा होगा, औलादें बेहाल हो जाएंगी, आंसू पर आंसू। मैयत कहां रखी है आंगन में, कितने देर रोएगा ये जमाना, कभी एहसास किया? चार घंटे, पांच घंटे, फिर महल्ले और खानदान के समझदार लोग आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, बच्चों सब्र करो, अल्लाह की अमानत है उसने वापस ले ली, लाल नहलाने का इंतजाम करो। नहलाने का इंतजाम होने लगा, और जानते हो घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया? ये तुमको मालूम हो जिंदगी में तो पूरी जिंदगी सुधर जाओ, जैसे ही रूह निकली चारपाई पे लिटाया, महल्ले के लोग आ रहे, मौलाना रुस्तम साहब आ गए, पता नहीं आज इतने गुमसुम क्यों हैं। ये आ गया तो आने के बाद ये थोड़े तुम्हारे घर में ये कहेंगे कि वो अब्दुल्ला भाई कहाँ है, जरा देखना उनसे मुलाकात करना, ये क्या कहेंगे, मिट्टी कहाँ है,
जनाजा कहां, मैयत कहां है? तो घर का कोई आदमी नहीं कहता जुबान संभाल के बात करना, मैयत और जनाजा ढूंढ रहे हो, अब्दुल्ला भाई से मिलना हो तो बताओ। नहीं, घर वाले खुद ही कहते हैं आओ मिट्टी यहां रखी है, आओ जनाजा यहां रखा है। अरे तुमने अपने को समझा क्या था? तुम्हारे तो घर वालों ही ने तुम्हारे आंगन में तुम्हारा नाम बदल दिया, कभी इसका एहसास किया? घर वालों ही ने नाम बदल डाला, घर ही में बदल दिया। कि इतना गुरूर करते हो, इतना घमंड, इतना तकब्बुर किस बात का, जिसके नाम को घर वाले ही बदल दे। क्या हकीकत है मरने के बाद? 5 घंटे गुजर गए, कर नहलाओ, पटरी में लेटा, पानी गर्म करो, इंतजाम किया। अब जैसे ही नहलाने का इरादा किया तो कपड़े टाइट थे, एक समझदार शख्स बोला कैंची ले लो काट दो। क्यों? अरे उतारने में कहीं मुर्दे के जिस्म को झटका न लग जाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? कपड़े काट दिए गए, नहलाया गया। अब मुझे प्यार से बताओ, 3 चादरों में लपेटे जाओगे और ऐसी चादरें होंगी जिसमें जेब नहीं होगी। दुनिया में पैदा हुए तो बरहना, अब कम से कम जा रहे हो तो 3 चादरें हैं मगर जेब नहीं है। कुछ ले जाओगे यहां से? कुछ जाएगा? कुछ जाएगा? ये मकान जाएगा? खेत जाएंगे? प्लाट जाएगा? कारोबार जाएगा? अबे जो जाएगा नहीं उसको इकट्ठा किए हो और जो जाएगा उसकी फिक्र ही नहीं कर रहे हो। कितने बड़े बदखल हो जो जाएगा नहीं उसके लिए हर तरीके की दुश्मनी कर रहे हो, झूठ फराड से काम ले रहे हो, और जो जाएगा वो इकट्ठा ही नहीं किया। तेरे साथ तेरी नमाज जाएगी, तेरा रोजा जाएगा, तेरा हज जाएगा, तेरी ज़कात जाएगी, तेरी नेकियां जाएंगी, तेरे अच्छे अमाल जाएंगे। एक बात और बता दो, कोई आदमी चाहे कि मैं मौत से बच जाऊं तो बच सकता है? बोलो तो जरा मेरी बात प्यार से समझना भाई। मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो, बच नहीं सकते। एक फार्मूला बताऊं कि जिससे कोशिश करो बचने की और बच सको तो उससे बचा करो। मौत तो अपने वक्त पे आएगी, एक लम्हा ताखीर नहीं करेगी, और रात दिन कोशिश में बच जाए, नहीं बचोगे। मैं गारंटी से कहता हूं मौत अपने वक्त पर आएगी, एक लम्हा ताखीर नहीं करेगी। इससे बचना चाहते हो नहीं बच सकते? अरे सुनो मैं बताऊं तुम किससे बच सकते हो, तुम जहन्नम की आग से बच सकते हो। क्यों नहीं अपने को बचाते? क्यों नहीं बचाते वो बोलो? हैरत है, नेकियां फ्री बट रही हैं। क्या मदरसे में आने का कोई पैसा लिया गया है? शामियाना लगा है, पानी का इंतजाम है, कुर्सियां बिछवा दी। अरे इनके दिलों से पूछो मदरसीन के, महमूद भाई के, कमेटी के, बड़े अरमान उसने सजाया जलसा। लोग आएंगे, अल्लाह के नेक बंदे आएंगे, अल्लाह रसूल का पैगाम लेके जाएंगे यहाँ से, नेकियां फ्री बन रही हैं, आओ नेकी ले जाओ, दारुलों में एहसानिया नूरिया आओ, आओ नेकी ले जाओ, आओ सरकार की नाच सुनो, आओ कुरान हदीस का बयान सुनो, आओ नेकियां फ्री ले जाओ। अबे हैरत है तुम पर, नेकियां फ्री बन रही हैं और ले नहीं रहे, और गुनाह पैसे से खरीद रहे हो। गुनाह पैसे से खरीद रहे हो? ये तो शादी का मौसम चल रहा था, देखो जरा सर, वो डीजे चल रहा है, वो बाजा चल रहा है, बूढ़ा बाप चेहरे में दाढ़ी और डांसर पर पैसे लुटा रहा है। आजकल पैसा लुटाने का माहौल आ गया, गड्डी पे गड्डी फेंक रहे, इमाम को 5,000 देने में छाती फटती, और नाचने वालों पर 50,000 लुटा रहा, पैसे पे पैसा लुटा रहा। मुझसे पूछो, और जानते हो नोट कहां से लाता है? उसी दिन रिजर्व बैंक से लेके आता है। नहीं नहीं, इतना इहतमाम गुनाह करने का नाचने वालों के लिए?
फेंक रहा है। मैंने एक से कहा, अरे भाई चचा, ये तो अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने का मौका था। अल्लाह ने तेरे बेटे को दूल्हा बनाया, तू नचनियों पे पैसे कुर्बान कर रहा है। कहा, हजरत हमेशा आपकी सुनते हैं, आज रहने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे, अरमान निकाल लेने दीजिए। मैंने कहा, यार अरमान कैसे निकालेगा, गुनाह करके। नादान अगर अरमान निकालना है तो किसी गरीब बच्ची की शादी करा देता, किसी यतीम बच्चे के पढ़ाई का इंतजाम करा देता, किसी लावारिस के लिए खाने का इंतजाम करा देता, किसी के लिए मकान का इंतजाम करा देता, तेरे अरमान पूरे हो जाते। मगर नहीं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बदलो ये सब मिजाज, बदलो, अपने अंदर तब्दीली लाओ। देख लो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम बदल दिया, अब एक हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे, कफन में लपेट दिए गए। कफनाने के बाद प्यार से बताना किस में रखे जाओगे, बोलो, गवारे में। यहाँ गवारा बोलते हैं कि जनाजे वाली चारपाई, क्या बोलते हैं, गवारा रखे जाओगे ना। अरे अपनी जुबान में समझ लो, चारपाई में रखे जाओगे। अरे बोलो ना। अब बड़े प्यार से मुझे बताओ, नहला धुला के खूब साफ सुथरा कर, तीन चादरों में लपेट के कहां उठा के रखे गए, बोलो। मेरा जुमला सुनो, चंदे वाली चारपाई में, ये वही चारपाई है मस्जिद का इमाम खड़े होकर कह रहा था, 5 रुपए लाओ भाइयों, 10 रुपए लाओ, चारपाई टूट गई है, स्टील की मंगाना है, ये वही चारपाई है। कभी अपनी हकीकत पर गौर किया कि मरने के बाद चंदे वाली चारपाई में लटाए जाओगे। बड़ा से बड़ा अमीर की नौ दुनिया का, कभी उसने ये वसीयत नहीं की, जरा सोने चांदी की चारपाई मेरी बनवा लेना मरने के बाद, चंदे वाली चारपाई। हजरात, मैं अपने आप से बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, हमारी तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, जो कुछ हकीकत है वो हमारी नेकियों की, नेक अमाल की। अच्छाइयां करो, अच्छाइयों का प्रचार करो, अच्छाइयां फैलाओ। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बोलो, तवज्जो है ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात सुन, बड़ी प्यारी बात याद आ गई, मैं अर्ज कर दूं, मैंने आयत करीमा का तर्जमा भी नहीं किया, फिर किसी मौके पे आऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि आपको मैं कैसे समझाऊंगा, क्या समझाना है। बहरहाल इंशाअल्लाह उस आयत पर तो मेरी तकरीर उधार, बाकी उस आयत पे अगर देख सुनना ही है मेरी तकरीर तो फिर गूगल कर लीजिए, और उस आयत पर मेरी तकरीर गूगल से देख लीजिए। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जरा हमें जिंदगी गुजारना कैसे। मुझे ये बहस नहीं है कि यहाँ 200 आदमी है, नहीं, ये 200 जाएंगे अपनी बीवी से शेयर करें, अपने बच्चों से शेयर करें, अपने भाइयों से शेयर करें, अपने घर वालों को बताएं। महल्ले में जाके सुबह 2.5 रुपए की चाय बना करके पेपर पढ़ के मजाक न उड़ाना, कोई तुमसे पूछे रात जलसे में गए थे, हाँ यार जलसे में गए थे, कैसा रहा, अरे मजा आ गया, जीम से मजा आ गया, नहीं कैसी तकरीर की मौला साहब, अरे बहुत बढ़िया, अरे कुछ तो बताओ, नहीं वो याद तो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद करो, ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ, उनको याद करके तुम जाओ कि वाकई हम क्या पैगाम लेकर के जलसे से गए। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के कहता है, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया है, पैगंबर दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा मिल जाए। बोलो प्यार से, या रसूलल्लाह। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इतने में एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अभी मैं फुला जगह से आ रहा था तो इनके बच्चे को तमाम बच्चों में खेलता हुआ देखा है। तो वो शख्स खड़ा हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहां जा रहे हो, कहा सरकार बच्चा मिल गया, सरकार इन्होंने खबर दे दी बच्चा मिल गया, जा रहा हूं बच्चे को लेने। आका फरमाते हैं, जब बच्चा मिल जाएगा तो क्या करोगे, कहे या रसूल अल्लाह उससे प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, कलेजे से लगा लूंगा, मेरे दिल का फल है, रुखसार चूमूंगा, लबों को चूमूंगा, पैगंबर मैं प्यार करूंगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं, आका फरमाते हैं ऐसा मत करना, कहे या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा है,
ये तो मेरी फितरत है, बाप की शफकत है, मेरा दिल मानेगा कहां। नबी फरमाते हैं सब बच्चों के सामने ऐसा मत करना, उसे घर ले आना और घर लाके खूब प्यार कर लेना। क्यों? अगर तमाम बच्चों के सामने तुमने अपने बच्चे से प्यार किया तो कहीं ऐसा ना हो उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो और उस यतीम को उसका बाप याद आ जाए, अपने बाप को याद करके कहीं रो ना पड़े। घर में आके मोहब्बत करना। यहां से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या दी, ए मेरी प्यारी उम्मत, पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारा